स्टार्ट। महोदय, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति ने एक अहम कदम उठाया है। इसके अनुसार अब छात्रों को नई पीढ़ी के तथ्यपरक इतिहास पढ़ने को मिलेंगे। अब पाठ्यक्रमों में शामिल ऐसे भ्रामक और ऐतिहासिक तथ्य हटाए जाएंगे जो देश के महापुरुषों की छवि धूमिल करते हैं। समिति का यह फैसला स्वागत योग्य है। वर्तमान पाठ्यक्रम में इतिहास के कालखंड समान अनुपात में बटे नहीं हैं। पाठ्यक्रमों में मध्यकालीन युग को ज़्यादा वरीयता दी गई है, जबकि प्राचीन और आधुनिक काल को कम। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम में कुछ खास नायकों का चरित्र सही से चित्रित नहीं किया गया है। नए संशोधन में इन सब को ठीक किया जाएगा, जिससे छात्रों में इतिहास को लेकर एक नई समझ बनेगी। यह बदलाव उनमें नैतिक मूल्यों का भी बीजारोपण करेगा। महोदय, खेलों का महाकुंभ बस शुरू होने वाला है। हमें भी अपने खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। हॉकी पर ख़ासतौर से नज़र है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसमें कभी हमारी बादशाहत हुआ करती थी। आज हमारी हॉकी भले ही गर्त में चली गई हो और हालात ऐसे हो गए हों कि हम इसमें पदक के लिए तरस रहे हों, लेकिन कभी हमें हमारी तोती बोला करती थी। अच्छी बात है कि भारतीय हॉकी टीम इन दिनों फिर से अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए यह भरोसा कर सकते हैं कि टोक्यो में हमारे हिस्से में सफलता आए। महोदय, आमतौर पर होता यह है कि राजनेता कम पढ़े लिखे होते हैं और शिक्षित अनुभवी व कुशल प्रशासकों को उनके अधीन काम करना पड़ता है, किंतु मौजूदा केंद्र सरकार ने इस मिथक को उलट दिया। हाल ही में मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है, उसमें अधिकतर मंत्री उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, कई तो प्रशासकों से भी अधिक गुणी हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन नीतियों का निर्माण किया जाएगा, उनमें नौकरशाह अपनी मर्जी नहीं थोप सकेंगे, बल्कि मंत्री ही अनुभव और योग्यता के मुताबिक नीतियों को गढ़ेंगे। अब मंत्री और प्रशासक अपने अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर मिलकर काम करेंगे, जिससे नीतियां बनाने, उनको क्रियान्वित करने व नतीजा पाने में तीव्रता आएगी और देश विकास व प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। यह एक अच्छी शुरुआत है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके लिए देश का शीर्ष नेता